हमीरपुर जिला के गांव रिटेड़ा की सीमा देवी दिन भर परिवार की देखभाल एवं घरेलू कार्यों में व्यस्त होने के बावजूद भी स्वरोजगार को अपनाए हुए हैं। सीमा देवी स्वरोजगार अपनाकर अपने घर द्वार पर ही सालाना 1 से 1.25 लाख रुपए की आय अर्जित कर रही हैं। सीमा देवी ने बताया कि उनके परिवार में काफी अरसे से शौक के तौर पर मधुमक्खी पालन किया जा रहा था, लेकिन इससे काफी कम मात्रा में शहद प्राप्त होता था। इस बीच उन्हें उद्यान विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री मधु विकास योजना की जानकारी प्राप्त हुई। शुरुआत में उन्हें उद्यान विभाग की तरफ से 25 मधुमक्खी बॉक्स सहित अन्य उपकरण प्राप्त हुए। वहीं सीमा देवी ने बताया कि प्रथम वर्ष केवल 25,000 रुपए का ही शहद बेचा था, लेकिन वर्ष 2019 और 20 में उन्हें इन्हीं मधुमक्खियों से 2 से 3 क्विंटल शहद प्राप्त हुआ है। इससे उन्हें लगभग 1 लाख रुपए की आय हुई है। वहीं सीमा देवी की माने तो पशुपालन के माध्यम से उतनी आय अर्जित नहीं होती जितने की मधुमक्खी पालन से प्राप्त हो रही है। सीमा देवी ने ग्रामीणों के हित में बेहतर योजना प्रारंभ करने के लिए सीएम जयराम ठाकुर का आभार जताया है। सारा मैंने पहले ना घर में रखे थे 5-10 बक्से देसी मक्खियों के, 10 साल से कर रहे हैं हम काम ना, अच्छा है उसमें काम। फिर उद्यान विभाग हमीरपुर 2018-19 में मुख्यमंत्री मधु विकास योजना यहाँ से पता चला। फिर मोना मैडम ने, मोना ठाकुर हैं हमीरपुर में बैठे हुए, उन्होंने बताया कि ये स्कीम चली है, आप ये काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें हम 80% वो दे रहे हैं सब्सिडी, 20% आपका लगेगा और 80% सरकार देगी, अगर आप करना चाहते हैं तो देख लो। फिर हमने मोना मैडम ने बताया, फिर किया हमने ये काम। सर अभी साल तो हुई हमें 1 लाख की, जैसे पिछले साल नहीं, पिछले साल ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, 25,000 का हुआ। सर इसमें मधु मक्खियों में ना ज़्यादा, इसके साथ हम भैंसों का काम भी कर सकते हैं ना, पर इसमें भैंसों में नहीं है ज़्यादा प्रॉफिट, इसमें मधु विकास योजना में इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। वहीं सीमा देवी की भतीजी सोनाक्षी ने बताया कि मधुमक्खी पालन से उन्हें अच्छी आय प्राप्त हो रही है। सोनाक्षी ने कहा कि उसने भी मधुमक्खी पालन शुरू किया है जिससे आने वाले समय में आय प्राप्त होगी। सोनाक्षी ने बेरोजगार युवाओं से अपील करते हुए कहा कि स्वरोजगार के साधन अपनाकर ही युवा घर पर ही अच्छी आय कमा सकते हैं। सर अच्छा काम है, इंटरेस्टिंग है, लोग कर सकते हैं और दिखने में भी अच्छा है, काम करने को भी आसान है, कुछ है नहीं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, समझना पड़ता है मक्खियों के बारे में, क्या किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से नहीं करती हैं। कितने दिन की ट्रेनिंग ली थी आपने? सर हमने 5 दिन की ट्रेनिंग ली थी, मैंने और चाची जी ने साथ में ली है। 5 दिन की ट्रेनिंग नेरी में ली थी हमने, मोना ठाकुर जी हैं मैम उधर, उन्होंने करवाया था, हमें बुलाया था उन्होंने। सर अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट किया है, अभी रखा है, तो अभी तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है और उससे उनका शहद अच्छे से बना रहे हैं वो, लेकिन देख चेक करते रहते हैं बीच बीच में किस तरह से वो काम कर रहे हैं, किस तरह से नहीं कर रहे हैं। युवा पीढ़ी काम इस काम को कर सकती है, क्योंकि जो जो युवा हैं वो 5-10 हज़ार के लिए बाहर बद्दी में जा रहे हैं, कंपनियों में जा रहे हैं काम करने के लिए। इससे बेटर है कि आप इस काम को शुरू कीजिए और इससे आपको इनकम भी आएगी, दूसरा आप घर वालों के साथ भी रह सकते हो, उनकी हेल्प भी कर सकते हो। वही सीमा देवी की बेटी रितिका ने बताया कि हम सब परिवार वाले मम्मी के इस व्यवसाय में अपना हाथ बटाते हैं। मधुमक्खी पालन से उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो रही है जिस पर खुशी जाहिर की है और बेरोजगार युवाओं से स्वरोजगार अपनाने की अपील की है। मेरा नाम रितिका है, मैं BSc हॉर्टिकल्चर की स्टूडेंट हूँ और जो मेरी मम्मी है वो मधुमक्खियों का जो पालन करते हैं इसमें जो है बहुत सारा फ़ायदा है। मैं भी इसी फील्ड में जाने वाली हूँ, मतलब आगे मेरे को 3rd ईयर में ये कोर्स आने वाला है, लेकिन मुझे उससे पहले ही इसके बारे में बहुत कुछ पता चल जा रहा है। मेरे पापा जो हैं, सारे भाई सारे हेल्प करते हैं इस काम में और इसमें बहुत प्रॉफिट है। और जो हमारा आने वाला यूथ है, जैसे अभी COVID-19 चल रहा है लॉकडाउन के कारण, तो उसमें जो है सभी घर पे बैठे हुए हैं, तो उसमें इसमें प्रॉब्लम हो रही है उनको इनकम की, तो
तो वो फ्री बैठे हुए हैं, घर में बैठने से अच्छा है कि वो इस काम को करें। इस काम में जो है वो मतलब ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर हम इसको इधर रखेंगे तो हम एक साल में इनकम लेंगे, लेकिन हम इसकी माइग्रेशन करेंगे तो हमारे पूरे साल इनकम होगी, तो इससे जो है प्रॉफिट ही है। तो मतलब हम यूथ को यही बोलना चाहेंगे कि आप आओ और इस काम को सीखो, इस काम में बहुत प्रॉफिट है, इसमें ज़्यादा नुकसान भी नहीं है। आप थोड़ा टाइम भी दोगे इसमें तो आपको बहुत प्रॉफिट। वही उद्यान विभाग की विकास अधिकारी डॉक्टर मोना ठाकुर ने बताया कि सीमा देवी ने वर्ष 2018-19 में मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू किया था। सीमा देवी अब 1,00,000 रुपए से ज्यादा 3 माह में आमदनी अर्जित कर रही हैं। वही हॉर्टिकल्चर विकास अधिकारी मोना ठाकुर ने कहा कि जो युवा कोरोना काल में अपनी नौकरी गंवा चुके हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। के तहत जो मुख्यमंत्री मधु विकास योजना है, ये सन 2018 में जो आई है, और इसके तहत हमने सबसे पहले तो जो हमारे ब्लॉक के जो फार्मर थे उनको हमने ट्रेनिंग दिलाई, जिसमें सीमा शर्मा जो सीमा देवी जी भी जो हैं वो एक हैं। इसके इस योजना के तहत जो है हमने 80% जो अनुदान है सरकार की तरफ से वो दिया जाता है, तो इसके तहत उनको जो बी हाइप्स हैं उन पे 80,000, 1,00,000 के बिल पे 25 बक्सों के लिए 80,000 रुपये दिए गए, और उसके साथ ही इक्विपमेंट, बी कीपिंग इक्विपमेंट के लिए 80% अनुदान जो है वो 20,00,000 के बिल पे 16,000 रुपये दिए। ये जो सीमा देवी जी हैं, इन्होंने वर्ष 2019 में 3 महीनों में 1.5 से 2 क्विंटल जो शहद है उसका उत्पादन किया है। इसके साथ ही जो ये 25 बक्से हमने दिए थे, इनमें 18 बक्सों की इन्होंने बढ़ोतरी की है, तो देखा जाए तो 1,00,000 से ऊपर इन्होंने जो है वो कमाया है 3 महीनों। क्योंकि जैसे आजकल कोरोना का दौर है और काफ़ी सारे जो युवा वर्ग है हमारा वो घर पे बैठा हुआ है, बेरोजगार है, तो वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर उन्होंने कभी पहले भी ट्रेनिंग की है इस किसी भी योजना में, बी कीपिंग की ट्रेनिंग की है, कहीं से भी की है, तो वो इस पे सब्सिडी ले सकते हैं जैसे ही बजट आता है। और अगर नहीं लिए है ट्रेनिंग तो वो भविष्य में ज़रूर इसकी ट्रेनिंग ले, ताकि वो स्वरोजगार के तौर पे इसको